नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको यहां पर टॉपिक दिख ही रहा होगा कि वीकली करंट अफेयर्स 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक के आज हम कवर करने वाले हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला कोट यहां रहेगा, ये रहेगा, लाइफ नेवर गिव्स यू व्हाट यू वांट, इट ऑलवेज गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। लाइफ हमें कभी भी वो नहीं देती जो हम लाइफ से चाहते हैं, लाइफ हमें हमेशा वो देती है जिसके हम हकदार होते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमएसएमई डे के बारे में, ये इकोनॉमिक पार्ट्स का क्वेश्चन है आपका। एमएसएमई डे ये 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एम्प्लॉयमेंट। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी देश के एमएसएमई मतलब छोटे व्यवसाय उस देश के व्यवसायों का 70% होते हैं। किसी भी देश का जो जीडीपी होती है किसी भी देश की, वो एमएसएमई पे 50% तक आधारित होती है, इसलिए एमएसएमई इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये देखिए दूसरे मोबाइल ऐप जैसी ये कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यस बैंक ने करा है इसको, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बैंक ने इसको युवा पे को लॉन्च किया है। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई है 2004 में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार और इसका आदर्श वाक्य है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ कहां हुआ है? एक कार्यक्रम है हरित हरम, ये आपके बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट आपके पार्ट से आ जाता है ये। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपके एनवायरमेंट वाले पार्ट से के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के नरसापुर में एक अर्बन फॉरेस्ट पार्क की भी का भी उद्घाटन वहां पर किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? के चंद्रशेखर राव कौन है? ये है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो तेलंगाना से पूछा जाता है वो पूछा जाता है अमराबाद टाइगर रिजर्व से लेकर। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व दोस्तों कहां पर है? तेलंगाना में। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये उड़ीसा राज्य में विकसित किया गया है। अब इसमें होगा क्या, मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को आसानी से पूरा करने व समझाने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी उड़ीसा की। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा के अभी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं मोहम्मद रफीक साहब और मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल जो है उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्हें पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। और यहां पर देखिए आप, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमली पाल नेशनल पार्क कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां पर उड़ीसा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, यहीं पर है। ठीक है, कलिंग सम्राट अशोक आपको यहां पर ध्यान आ गए होंगे, कलिंग वॉर वाले, तो कलिंग जो है वो उड़ीसा का ही पुराना नाम है। और अब बात करते हैं व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था, वो भी उड़ीसा में ही है। और एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि व्हीलर द्वीप में अग्नि फायर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में विजडम इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं सर राहुल द्रविड़। इन्होंने पछाड़ा था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर हालांकि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की तो वहां राहुल द्रविड़ कहीं ना कहीं इनसे भी आगे हैं। ठीक है, और राहुल द्रविड़ को बोला जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ये इनका निकनेम है। ठीक है, वीडियो यहां तक दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। मैं अभी लाइक करने को इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं। अगर वीडियो की डिटेल्स आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरी पहल आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। छठवां सवाल है हमारा, हाल ही में मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर
किसके मुख्यालय का नया नाम रखा जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासा का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन रखा जाएगा। ठीक है, तो नासा का नाम बदला जाएगा और नासा कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जानते ही हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और अभी इसके प्रेजेंट टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिनस्टाइन। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमपीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि दिशा एकेडमी ज्यादा फोकस एमपीपीएससी एग्जाम और एमपी के एग्जाम से रिलेटेड करती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए, हाल ही में किस सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया है प्रवासी श्रम आयोग का गठन। ठीक है, इस आयोग का गठन मध्य प्रदेश ने किया है, क्योंकि यह मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के लिए प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, रोजगार सेतु योजना यह भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू करी, कुशल श्रमिकों के लिए यह योजना थी, सबको रोजगार मिलेगा यह योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरू करी। जीवन शक्ति योजना यह भी मध्य प्रदेश ने शुरू करी, इस योजना के तहत मास्क बनाने का कार्य दिया गया था महिलाओं को, और प्रति मास्क की जो कीमत थी वो थी 11 रुपए। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है जीवन ज्योति योजना। और टॉप पेरेंट ऐप जो है ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च करी थी स्टूडेंट्स के लिए, और रेडियो स्कूल नामक एक इन्होंने संस्था चालू करी थी, रेडियो स्कूल पहल एक इन्होंने चालू करी थी सॉरी, वो भी मध्य प्रदेश द्वारा चालू की गई है और वो भी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब पहला राज्य जो मिड डे मील में अभी इसने राशन बांटना शुरू कर दिया है, यह देश का पहला राज्य बन गया है जो मिड डे मील में राशन बांटना जिसने शुरू कर दिया है। चरण पादुका पहल, यहां पर प्रवासी श्रमिक जो नंगे पैर आ रहे थे या जिनके चप्पल जूते खराब हो गए थे उनको इन्होंने चप्पल जूते प्रोवाइड यहां पर किए थे, तो ये आपके चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश ने शुरू करी। कर्मवीर पुरस्कार का आयोजन, सबसे पहले पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार जो दिए जाने लगे हैं अब, उसकी पहल किसने करी, उसकी पहल भी मध्य प्रदेश ने करी। FIR आपके द्वार योजना, ये योजना भी मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन में। हाल ही में PMMY जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुद्रण योजना भी इसको बोलते हैं, के तहत जो शिशु हैं उन पे लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो भाई इसमें अब जो छूट दी जाने लगी है वो दी जाने लगी है 2% की। ठीक है, 2% की छूट इसमें मिलेगी। अब PMMY जो है इसकी स्थापना 8 अप्रैल को की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को, इसको सिडबी नामक संस्था चलाती है। अब ये लोन कौन कौन से देता है मैं ये आपको बता देता हूं। पहला है शिशु लोन, इस पर मिलता है जिसकी राशि है 50,000। दूसरा है किशोर लोन जिसकी राशि है 50,000 से 5,00,000 रुपए। तीसरा है तरुण लोन जिसकी राशि 5,00,000 से 10,00,000 राशि इसमें आप लोन में आपको मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं हमारे नवे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IMF ने किस देश को 356.5 मिलियन $ की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भाई वो देश है आपका म्यांमार, जिसका नाम पुराना बर्मा था। ठीक है, चलिए म्यांमार को देने की इन्होंने घोषणा की है। अब IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय जो है ना, कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय ने कि मंत्रालय और किस कंपनी ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्किल बिल्ड रिजिनाइट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किया है? ठीक है, यह किया है IBM द्वारा। ठीक है, IBM के साथ में यह हुआ है। IBM को फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना हुई थी 1911 में और इसके CEO हैं अभी अरविंद कृष्णा। चलते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए स्टार भी लगा हुआ है यहां। किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर सम्मानित किया गया है? मतलब पॉइंट ऑफ लाइट एक ऑनर है, एक अवार्ड है जो
ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, तो मैंने बता ही दिया ये। तो राजेंद्र सिंह जी जो हैं, ये एक सिख हैं, इनकी उम्र है 76 वर्ष की, इनको ये सम्मान से अभी सम्मानित किया गया है। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रयास किए और 12,000 पाउंड रुपए इन्होंने इकट्ठे करे थे। 12,000 पाउंड जो है इन्होंने इकट्ठे करे थे, जिसके लिए इनको पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में आयुष्मान भारत जन आयोग योजना के तहत अब तक कितने करोड़ रुपए के, कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके तहत 12.5 करोड़ ई कार्ड अभी तक बनाए जा चुके हैं। ये योजना जो है गरीब परिवार को हेल्थ कवर दिए जाने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से। हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर स्पोर्ट्स की बात आती है किसी भी एग्जाम में, तो क्रिकेट को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो इनका नाम है नितिन मेनन, ठीक है। अब हम बात करें आईसीसी की, तो ये 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आईसीसी का है दुबई में। इसके चेयरमैन है अभी शशांक मनोहर, सीईओ है मनु सहानी, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। बढ़ चलते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। किल कोरोना अभियान शुरू किया है, तो यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें डोर टू डोर सर्वे किए जाएंगे। 20,000 लोग प्रतिदिन इसके सर्वे के अंदर में आएंगे। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा किल कोरोना योजना में। शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जो यहाँ पे जन कल्याण संबल योजना था, जिसको बंद कर दिया गया था कमलनाथ सरकार द्वारा, तो उसको इन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। अभी जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन जी हैं मध्य प्रदेश के, जिनका स्वास्थ्य अभी सही नहीं है, इसलिए एडिशनल गवर्नर के तौर पे अभी यहाँ पर पुरानी गवर्नर जो थी, यहाँ की पुरानी राज्यपाल जो थी आनंदीबेन पटेल, वो अभी यहाँ पर एडिशनल गवर्नर की भूमिका निभा रही हैं। चलते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। माइकल मार्टिन, ये अभी प्रधानमंत्री बने हैं, किस कंट्री के बने हैं? आयरलैंड के। माइकल मार्टिन नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसमें ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है 16वीं की, राष्ट्रीय स्मारकों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले को 10 साल की कैद का प्रावधान किस देश ने किया है? तो यह किया है यूएसए ने। क्यों किया है? क्योंकि आपको मालूम है अभी वहां श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो वहां पर अभी लड़ाई चल रही है, ब्लैक और व्हाइट के बीच में, उस विद्रोह के चलते वहां पर, वहां की जो अमेरिका की काफी सारी सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई गई थी, जिस वजह से इस कानून को वहां पर लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत की है? किस राज्य ने, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना की शुरुआत की है। दुनिया के सबसे, मतलब ये जो है ना, दुनिया के सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट, ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा टेस्टिंग थेरेपी का जो प्रोजेक्ट है, ये है, ये क्या है, प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है, ये इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसमें अब देखिए मैं आपको बताता हूं महाराष्ट्र के बारे में, हम एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी देश का यह पहला राज्य है। यहां के लोगों को यह मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बुक से रिलेटेड है, क्योंकि बुक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक बुक है द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक हैं, इसकी लेखक हैं आदिशा दास, और ये कहां की है? ये ओडिशा की है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बुक है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये बुक पूछी जा सकती है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, ये बुक लिखी गई है गिरीश कुबेर जी द्वारा,
और ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है? तो ये जो वन विभाग है ये हमारे उत्तराखंड राज्य का है। लाइकेन को हिंदी में बोलते हैं कवक, कवक बोला जाता है लाइकेन को। और ये क्यों बनाया जा रहा है? प्रदूषण दूर करने में सहायक रहेगा, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने एक होप नामक एक योजना बनाई है, जिसका फुल फॉर्म है, जो बेरोजगारों के लिए होप नामक जो योजना है ये बनाई गई है। इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये होप नामक जो योजना है ये भी उत्तराखंड द्वारा बनाई गई है। अब उत्तराखंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर आता है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और फूलों की घाटी भी कहां पर है? उत्तराखंड में है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो या फिर जो हेली नेशनल पार्क पुराना नाम जिसका है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ चलते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स, देखिए STARS, स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये दी है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। अब स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, ये है स्टार्स का फुल फॉर्म। अब देखिए, अब ये हुआ क्या है, यहां पर ये जो स्टार्स है ये 6 राज्यों में लागू होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, राजस्थान में, और अगर टीचिंग की बात है तो केरल कैसे पीछे रह सकता है। ठीक है, स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए चलाया गया है स्टार्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए चलाया गया है। अब लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर MD और CEO हैं अंशुला कांत। वीडियो दोस्तों यहां तक अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। मैं 5 सेकंड आपका वेट कर सकता हूं, आप अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो और ज्यादा अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी आप मेरे चैनल को कर दीजिए। चलते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो ये भी शुरू किया है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, तो ये इसके, अब मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात एक बताता हूं कि ये क्या है, होम स्कूल जैसा, मतलब ये जो योजना है ना इसमें बच्चों को घर पे ही स्कूल जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, क्योंकि COVID-19 के चलते अभी स्कूल्स बंद हैं। ठीक है, प्रवासी श्रमिक योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रवासी श्रम आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, यहां पर एक संकल्प योजना चलती है जो उमरिया में खासकर चलाई गई है, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए चलाई गई है संकल्प योजना। दूसरे यहां का जो जिला है झाबुआ, जहां के चंद्रशेखर आजाद जी जहां पर जन्मे थे झाबुआ, वहां पर एक योजना चलाई जा रही है दीदी वाहन सेवा, जो प्रेग्नेंट लेडीज को हेल्प करती है। ठीक है, बढ़ चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां छूट गई कि मध्य प्रदेश का सबसे खराब मृत्यु दर है। सबसे खराब मृत्यु दर से मेरा मतलब यह है कि सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ यहां पर होती है। शिशु मृत्यु दर जो है, बच्चों के जो मृत्यु दर है वो यहां पर सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है यहां पर। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 36वां जो शिखर सम्मेलन था आसियान का वो वियतनाम के शहर ब्रुनई में हुआ, और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, मतलब ऑब्वियसली कैमरे के, मतलब वीडियो कैम्स पे ये हुई होगी COVID-19 के चलते, क्योंकि मतलब नॉन वर्चुअल मीटिंग तो नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं आसियान की। आसियान में जैसा कि आपको मालूम है 10 देश हैं। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता में। इसके सेक्रेटरी हैं लिम जॉक हुई, और इसमें साल में 2 बार मीटिंग्स होती हैं आसियान की। ठीक है, तो इसकी जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये 10 कंट्रियां हैं इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की। हाल ही में किसे पी
पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीसी महालनोबिस ये बहुत जरूर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। तो सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो पीसी रंगराजन है ना, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से नंबर के गवर्नर थे, पहली बात। दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये दो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जो महालनोबिस, जो अब देखिए 29 जून को नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, ये भी पीसी महालनोबिस के ऊपर ही मनाया जाता है, उनके बर्थडे वाले दिन, क्योंकि पीसी महालनोबिस सर जो थे इनको फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स बोला जाता है। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की, देखिए गुडनी जोहानसन, ठीक है, ये जो गुडनी जोहानसन है ये नए राष्ट्रपति बने हैं कहां के, आइसलैंड के। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का सॉरी, वो बने थे आयरलैंड के, ये बने हैं आइसलैंड के। तो दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। हाल ही में भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है, विजडन द्वारा। तो विजडन के द्वारा हाल ही में सर रविंद्र जडेजा को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है, ठीक है। फिच रेटिंग वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो फिच रेटिंग के हिसाब से भारत की जीडीपी जो है वो 8% रहने का अनुमान लगाया गया है। पहले ये अनुमान 9.5% का था, लेकिन COVID-19 के चलते ये अनुमान 9.5% से घटाकर 8% पर कर दिया गया है। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत प्रदेश घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये घोषित किया गया है नागालैंड को, क्योंकि वहां पर कुछ सशस्त्र समूह बन गए हैं जो वहां पर आम जन को परेशान कर रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए पूरे नागालैंड में वहां पर सिक्योरिटी मतलब आर्मी लगा दी गई है पूरे नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों, वो बनता है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। बात करते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की, हाल ही में, ठीक है, किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है। किस देश ने नहीं सॉरी दोस्तों किस शहर ने हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है, और वो है इंदौर, ठीक है, जो सबसे साफ शहर जिसको कहते हैं इंडिया का, नंबर 1 रैंक है इसकी, तो ये इंदौर है। इंदौर ने पीले रंग की कूड़ेदान का आयोजन किया है, मतलब अब से पहले देखो ग्रीन ब्लू और ब्लैक होते थे, तो अब से एक पीले रंग का भी होगा जिसमें कोरोना के अवशिष्टों को रखा जाएगा। किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो ये जो घोषणा की है ये करी है न्यूजीलैंड ने, ठीक है, न्यूजीलैंड ने घोषणा करी है कि एपेक समिट 2021 नहीं, वहां न्यूजीलैंड में नहीं होगी। अब एपेक क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना थी 1989 में हुई एपेक की, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और अभी इसके प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर रोबेका फातिमा, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन पे, तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर के अंदर G4 नामक वायरस पाया है, वो भी भाई चाइना ने पाया है, चाइना के सुअर में G4 नामक वायरस मिल रहा है, और ये भी COVID-19 की तरह महामारी का रूप ले सकता है, ये लोगों में फैल सकता है, इसलिए अभी वहां पर बहुत सावधानी बरती जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, चाइना से रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे जो आपका एशियन यूथ गेम्स जो होने वाले थे 2021 के, तो वो चाइना में होने वाले हैं, ठीक है। 29वां एशियन गेम्स जो 2022 में होने वाले हैं, है ना, वो भी इसमें चाइना में होने वाले हैं, जिसका जो शुभांकर है वो स्मार्ट ट्रिपलेट नाम से, उसके शुभांकर का नाम स्मार्ट ट्रिपलेट है, ये आप याद रख सकते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 भी वहीं होने वाले थे चाइना में। 2022 के एशियन पैरा गेम्स जो है, इसका फीफी
शुभांगर का नाम है इसका फीफी, फीफी शुभांगर भी मतलब 2022 के जो एशियन गेम्स है इसका है, ये भी चाइना में होने वाले थे। नई डिजिटल करेंसी बनाई है चाइना ने जो है DCNEP, ये लॉन्च जो करी है DCNEP करेंसी, ये भी चाइना ने करी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चाइना के बारे में। अब एक और बुक के बारे में हम बात करेंगे यहां पर, उस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, पुस्तक ये है। इस पुस्तक का जो विमोचन है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है और ये वी पट्टाभी राम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे शायद। बात करते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संस्कृत के बारे में बात हो रही है क्योंकि, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो वैसे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बात करते हैं हमारे 35वें और अंतिम क्वेश्चन की यहां पर कि हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन का शुभारंभ किया है हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है। अब ये है क्या ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन है क्या? तो दवा की खोज की जो प्रक्रिया है उसके समर्थन, मतलब किसी भी प्रक्रिया को वो अपना सकते हैं, उसमें पूरा पूरा समर्थन दिया है हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जो कि साप्ताहिक समसामयिकी की वीडियो थी हमारी, ये वीडियो में जो मैं 35 क्वेश्चन लेके आया हूं ये आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों मैं आपको ये दावा दे करता हूं कि ये जो 35 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बताए हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे किसी एग्जाम में, तो प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीकली वीकली आपको करंट अफेयर्स देता रहूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरा समर्थन करें आप। प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप्स में, और दोस्तों जो स्टडी ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो उससे और लोगों का भी भला हो सकता है। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे आगामी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। दिशा एकेडमी का इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक पर भी चैनल है, तो वो चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां पर जाके दिशा एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद जय भारत।